तो दोस्तों, अब अगला जो हमारा सेलियंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब भाई देख भाई, धो दो, चिल हो जा, आगे डिटेल में आएगा। इसमें एक चीज़ बता दूँ कि जो कनाडा से हमने उठाया है कि फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ओके, मतलब कि थोड़ा सा हमारा जो इंक्लिनेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेंटर की तरफ है, ताकि ये जो स्टेट है ये लोग छोड़ कर चले जाए सेंटर को, इसलिए हमने थोड़ा पावर थोड़ा सा ज़्यादा सेंटर को दिया है। ओके, हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह है कि पार्लियामेंट जो है हमारे यहाँ लॉ बनाएगी, बट सोवरेन बॉडी नहीं है। सोवरेन बॉडी ना होने का मतलब ये है मेरे भाई कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो कोई एक कोर्ट है जो उसे वो ये बोल सकती है कि भाई ये लॉ नल एंड वाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड है, ठीक है। वो कौन बोल सकती है? सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू बोल सकती है। अच्छा, तो वहां पे ये है मेरे भाई कि बात ये है, तो आप देख सकते हैं कि सोवरेन होने के लिए क्या होता है कि आपने जो बोला वही हर जगह माना जा रहा है, हर जगह माना जा रहा है, आपकी बातों को कोई काट नहीं सकता, वो है सोवरेन बॉडी। जैसे कि जो ब्रिटिश की हमारी पार्लियामेंट है, ये कोई भी लॉ बनाएगी तो उसे कोई भी कोर्ट ब्रिटेन के अंदर उसे नल एंड वाइड नहीं कर सकती कि ये अमान्य है, ये कानून नहीं लगेगा, ये कोई नहीं बोल सकता। इसका मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है? सोवरेन है। बट इंडिया की पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है। हमारे यहाँ एक सिंथेसिस है पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को और जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में, हमारे क्या एक सिंथेसिस बना रखी है हमने, है ना, एक प्रॉपर मिक्सचर बना रखा है कि ना नाइदर पार्लियामेंट विल बी सोवरेन और नाइदर जुडिशियल सुप्रीमेसी विल बी टेक केयर इन अवर कंट्री। ओके, तो हमारे यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी भी नहीं होगी मेरे भाई, या ना ही क्या होगा हमारा पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट हमारे यहाँ सोवरेन होगा। ओके, हमारे यहाँ इनके बीच का सिंथेसिस है। क्यों सोवरेन नहीं हुआ? क्योंकि उसके जो भी लॉ बना रही है पार्लियामेंट वो क्या करेगी, नल एंड वाइड कौन डिक्लेयर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी बात है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय द लॉ का मतलब ये है कि भाई हमारे यहाँ तीन ऑर्गन होते हैं एक गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में भी क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो हमारे यहाँ जो बात है ना कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर क्या करेगा, प्रोसीजर बनाएगा, लॉ बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा एग्जीक्यूटिव को दिया है, और जो भी ये लॉ बन गया, एग्जीक्यूट हो गया, अब कोई लॉ तोड़ेगा उनको सजा देने का काम किसको दिया गया है? जुडिशरी को, न्याय करने के लिए। अब क्या होता है हमारे यहाँ कि जिस जो लॉ बन गया बन गया, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू पास हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंस में है तो लॉ हमारा पास हो गया। अब क्या होगा, उस लॉ पे अब जुडिशरी अपना फैसला करेगी। अब वो लॉ को नहीं चेंज कर सकती जुडिशरी, अब उसी लॉ पे फैसला करेगी, ना ही क्वेश्चन करेगी उस लॉ पे। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि वहाँ भी लेजिस्लेचर ने अपना कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट किया, और जुडिशरी क्या करेगी, इस कानून को रखवाला जो कौन होगा कानून का, जुडिशरी होगी। लेकिन जब कोई एक इंसान, मान लीजिए कन्विक्ट होता है, एक इंसान वहाँ पे कोर्ट में खड़ा है और उस पर एक लॉ के तहत उसे सजा दी जा रही है, तो देखिए उस लॉ के तहत सजा दी जा रही है, तो जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय द लॉ है उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि लॉ गलत है कि सही है, कि पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए है कि नहीं है, सीधे जो लॉ है उस पर सजा दे दी जाएगी। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होगा कि जो भी लॉ बना है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, कानून बनाया है, इस पर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, टू गिव प्रॉफिट टू नॉर्मल सिटीजन। इसको बोलते हैं क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये यूएसए में लागू है। ओके, अब देखिए हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, हमारे यहाँ जो वॉल है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, ये क्या है हमारा, ये पोरस वॉल है, पोरस वॉल है, पैग्यू सेपरेशन है। इससे क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव किसको बोलेंगे आप, जो प्राइम मिनिस्टर की जितनी कैबिनेट है ये लोग क्या है, एग्जीक्यूटिव है, एज वेल एज दे आर ऑल्सो ए लेजिस्लेचर। मतलब कि जितने कैबिनेट में होंगे वो काम एग्जीक्यूटिव का कर रहे हैं और प्लस लेजिस्लेचर भी हैं। ओके, और जो सिंपल सांसद हैं, सिंपल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या रहेंगे, वो लेजिस्लेचर होंगे। और जो कैबिनेट में होंगे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अरुण जेटली हो गए, तो अरुण जेटली क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव भी हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं, प्लस ये क्या होंगे, लेजिस्लेचर भी होंगे। ओके, ये हमारा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये कैसे है, ये हमारा है डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटेन पार्लियामेंट। ओके, तो भाई आपको समझ आ गया यहाँ पे,
ये जो पार्लियामेंट में डिफरेंट होता है, पार्लियामेंट जो मैंने ब्रिटेन पार्लियामेंट के डिफरेंट की बात मैंने करी है, वो हमने बात करी है किस पे, सोवरेनिटी पे, कि वहाँ ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, इंडिया की पार्लियामेंट क्या है, सोवरेन नहीं है। आपको मैंने बता दिया सिंथेसिस क्या है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी की, जुडिशियल रिव्यू के तहत, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। अब देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, हमारे यहाँ क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके बीच तक पोरस वॉल है, मतलब ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, बट हमारे यहाँ जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो इनको इनसे कोई मतलब नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव से ना लेजिस्लेचर, ये इंडिपेंडेंट है। इवन जो क्लर्क भी चुनना होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई एक संस्था होगी वही चूज करेगी, कोई इंडिया गवर्नमेंट की चीज़ नहीं करेगी, वो कौन करेगा, वो जो जुडिशरी का सिस्टम होगा वही चूज़ करेगा, अपने लोगों को चूज़ करना है, तनख्वाह देना सब कुछ, ताकि वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। तो हमारे यहाँ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है जो इन्फोर्स करेगी बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉ, और यूएसए में क्या है कि फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे जो फेडरल होगा उस फेडरल की कोर्ट अलग होगी, उसको फेडरल कोर्ट बोलेंगे, और जो फेडरल लॉ होगा वो इन्फोर्स करेगी, ओके okay, और जो स्टेट का कोर्ट अलग कोर्ट होगा, ओके okay, स्टेट का सुप्रीम कोर्ट अपना अलग होगा जो स्टेट लॉ को इन्फोर्स करेगा। देखिए फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल डीपीएसपी एक साइलेंट फीचर है हमारा। फंडामेंटल राइट क्यों है साइलेंट फीचर, ये क्या करता है, टू सेव फ्रॉम द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए भाई बात यह है कि मैं बन गया लेजिस्लेचर और मेरी पार्टी किस में है, पूरे बहुमत में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बहुमत मेरे पास है, मैं क्या करूँगा, ऐसा लॉ बनाऊँगा जो कांग्रेस की पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा, और कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेगा प्लस जो पीपल पब्लिक है हमारे सिटीजन है उनको भी नुकसान करेगा। तो देखिए तब क्या होगा, इसी को चेक करने के लिए हमने फंडामेंटल राइट दिए हैं। अब मान लीजिए अब आप गए आईपीएस बन गए, अब आईपीएस बन के आप सिंह बन के सबको मार रहे हैं, इनोसेंट पीपल को भी मार रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये दोनों चीज़ों से बचाने के लिए, टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव और आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, इससे बचाने के लिए हमने क्या दिया है, फंडामेंटल राइट हमने प्रोवाइड की है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर इट, और ये इन्फोर्सिबल है बाई कोर्ट ऑफ लॉ। और आपके फंडामेंटल राइट को कौन सेफ रखता है, कौन आपको आपको देता है, ये देती तो पार्लियामेंट है, लेकिन ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है, कि आपको कोई भी फंडामेंटल राइट में दिक्कत हुई सीधे आप कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ओके, डीपीएसपी अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये नोवेल फीचर है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, तीन भागों में इन्होंने इसको डिवाइड किया है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, तो उसको हम आगे देखेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी लेक्चर करने पड़ेंगे और अब डीपीएस में भी काफ़ी लेक्चर हम करेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पहले पास फंडामेंटल ड्यूटी थी नहीं, सेकुलर स्टेट हमने कोई प्रीएम्बल हमने डाला वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, ये आया हमारा इंदिरा गांधी के एरा में, और इंदिरा गांधी के एरा में आया क्योंकि उस समय क्या हो रहा था ना, कि उस समय जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में काफ़ी ज़्यादा तनातनी चल रही थी। पहले लेजिस्लेचर कुछ काम कर रहा था, जुडिशरी उसको स्टक डाउन कर दे रही थी, और जैसे जुडिशरी कोई काम कर रही थी उसे लेजिस्लेचर स्टक डाउन कर रहा था, इस तरह से बहुत सारे लॉ आ गए थे। उसी में एक हमारा एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं, मिनी बहुत सारे इसमें प्रोविजन लाए गए और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश की गई। उसके बाद देखिए कि हमारे कुछ और साइलेंट फीचर हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गई, मतलब 18 साल के प्लस जो भी इंसान है वो वोट कर सकता है, प्रोहिबिटेड दैट कि वो माइंड से अनसाउंड ना हो, ठीक है, और एंटी नेशनल कोई उसकी एक्टिविटी ना हो, ओके okay। और पहले क्या था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि इसके पहले 1988 के पहले जो हमारा वोटिंग एज थी वो थी 21 ईयर, ओके okay? और बाद में हमने क्या किया, 21 से उसको 18 साल कर दिया था, किसमें किया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया था। हमारे यहाँ भाई सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप है, क्यों, क्योंकि यूएसए में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है प्लस स्टेट चारों तरफ है उसमें, ठीक है, वहाँ फेडरल है, प्रॉपर फेडरल है, हमारे यूनियन है, यूएसए में क्या है, फेडरल है, हमारे यूनियन है, इसका मतलब आगे समझ आएगा आपको। तो भाई ये है कि एक फेडरल की हमारी क्या होगी, सिटीजनशिप होगी, और एक हमारी स्टेट की सिटीजनशिप होगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, डुअल सिटीजनशिप हो जाता है। अब देखिए भाई हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी है, भाई आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जैसे आप कमाते हो तो बोलते हो आप इंडिपेंडेंट हो गए, क्यों, क्योंकि आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, उसी तरह से किसी बॉडी को आप इंडिपेंडेंट बना, जैसे इलेक्शन कमीशन, कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल, यूपीएससी एंड पीएससी, तो आपको तीन काम करने पड़ेंगे, पहला काम होगा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दूसरा काम होगा फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, और तीसरा काम होगा एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब भाई कि आप मान लो कि यूपीएससी के चेयरमैन हो,
और आप एक क्या है इंडिपेंडेंट बॉडी हो, क्या हो आप यूपीएससी के चेयरमैन हो और आप इंडिपेंडेंट बॉडी हो। भाजपा की गवर्नमेंट आई अब कह रही है भाई जितने भगवाधारी लोग हैं इनकी तरह आप सवाल बनाओ ताकि हमारा क्या हो हम सॉफ्ट पावर की तरह उभरे, क्योंकि यूपीएससी में भी हमारे बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन यूपीएससी का काम ये नहीं, यूपीएससी का काम ये है कि जो प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है इंडिया में, कैसे इंडिया इवॉल्व हो रहा है एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, उस तरह के सवाल पूछे जाए जो कि बहुत उस प्रेजेंट सिनारियो में बहुत ज़्यादा अच्छे हों और देश के लिए भी अच्छा हो, वैसे सवाल पूछने होते हैं यूपीएससी को। इसीलिए हमें तो क्या होता है ये इवॉल्व करते जाते हैं यूपीएससी। तो भाई जैसे आप बन गए यूपीएससी के चेयरमैन, अब बोला गया कि भाई मोदी साहब ने बोला कि भाई सुनो अब तुमको जितने भी सवाल होंगे किसी मुस्लिम लीडर के बारे में नहीं पूछना है, तुम्हें सारे हिंदू लीडर के बारे में पूछना है, ऐसा मे भी हो सकता है। ओके तब क्या होगा, यूपीएससी के चेयरमैन आप बोलोगे मैं नहीं पूछूंगा, बोलेंगे देखो भाई सिक्योरिटी है जो टेन्यूर थी जो 5 साल की थी वो 2 साल हो गई, चलो जो तो आपकी सर्विस कंडीशन मैंने आपको कार दिया था हटा गया, वो बैलगाड़ी मैंने दे दी। ओके टेलीफोन जो दिया था बोला अब नहीं लैंड आपको फ़ोन नहीं मिलेगा आपको लैंडलाइन मिल जाएगी, और पेंशन पेंशन अपने घर से दोगे मुझे पेंशन आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल नहीं मिलेगी, और आपके जो पैसे हैं वो पैसे आपकी तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी। तो भाई आप क्या करोगे, आप मजबूर हो जाओगे मोदी साहब की तरह काम करने के लिए जो बोल रहे करने के लिए। इसलिए भाई इतने अच्छे लोग, उन्होंने बोला सुनो इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब सिक्योरिटी आप टेन्योर 5 साल रहोगे, 5 साल रहोगे कोई आपको हटा नहीं सकता, आपकी सर्विस कंडीशन फिक्स रहेगी भाई बैलगाड़ी आपको नहीं मिलेगी कार ही मिलेगी, और जितने भी एक्सपेंसेस हो गए उस बॉडी की वो सारा पैसा कहाँ से आ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाएगा। इस पर डिबेट हो सकता है बट इस पर वोटिंग नहीं होगी इन सारे पैसों पे। ओके इसे बातचीत हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं होगी। ओके उसके बाद हमारे इमरजेंसी प्रोविजन आए, आर्टिकल 352 में बोला गया कि वार एंड आर्म्ड रिवोल्यूशन इस पे हो गया तो इमरजेंसी लग जाएगी। आर्टिकल 356 में बोल सकते हैं फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और आर्टिकल 360 में क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और हमारे यहाँ भाई 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, आपको पता ही है भाई, पहला हमारा सेंटर है स्टेट है और तीसरा क्या है पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये 3 टायर की हमारी गवर्नमेंट है। पहले पूरा सेंटर उसके बाद उस स्टेट, और स्टेट के अंदर मान लीजिए एक बड़ा सा मैं स्टेट बनाता हूँ ये पूरा स्टेट, इसके अंदर छोटे छोटे क्या है हमारे पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जो पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो पावर मिले हुए हैं वो स्टेट लिस्ट से ही मिले होंगे, किससे स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर किए गए हैं पावर को पंचायती राज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। इसीलिए जो भी पंचायती राज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उसको कौन ज़्यादा अल्टर कर सकता है वो है स्टेट गवर्नमेंट नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। सारा काम कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट, वो डिसाइड करेगी कब चुनाव होगा, वो डिसाइड करेगी कि कितने हमें ग्राम प्रधान चुनना है कि नहीं चुनना है, हमें मेंबर चुनना है, उस तरह से क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है।